अब बात करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर जिसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग क्वेरीज रहता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट में डिफरेंस क्या है। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिस्ट के बारे में और डेटा एनालिस्ट के बारे में। सो यहाँ पे लिखा गया है इट इज अ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग डेटा एंड डिलीवरिंग एक्शनेबल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर्स एंड वर्कर्स That make informed business decision. So, आज के टाइम पे जो हम डेटा जो आपके पास आएगा तो आपको एक मशीन यूज करना पड़ेगा जो कि एक्सेल होगा, पावर पावर बी आई होगा, टैबलू होगा, पाइथन होगा, आर होगा, जो भी आपको लैंग्वेज आता है, और उस टेक्नोलॉजी का यूज करके उससे एक इंसाइट जनरेट करना और वो इंफॉर्मेशन आपको अपने मैनेजर्स एग्जीक्यूटिव स्टेक होल्डर्स क्लाइंट इनको पास ऑन करना है और उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सके। राइट, सो यहाँ पे क्लियर है कि टेक्नोलॉजी का नो हाउ भी आपको आना चाहिए और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आइडिया भी रहना चाहिए। सो ये डेटा आप कहाँ से डिराइव करती है कंपनी, बेसिकली आपका इंटरनल आईटी सिस्टम में जो स्टोर होता है या एक्सटर्नल सोर्स में होता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, डेटा विजुअलाइजेशन में लाते हैं, या उससे फिर कंपनी का ऑपरेशनल इफिशियंसी इंक्रीज होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है, फोरकास्टिंग होता है, बजटिंग होता है। राइट, सो बिजनेस इंटेलिजेंस, क्योंकि मैंने बिजनेस इंटेलिजेंस में जॉब किया है या बिजनेस एनालिस्ट भी आप कह सकते हो, जहां पे हमें बिजनेस नॉलेज एंड सेकंड टेक्निकल नॉलेज दोनों को कंबाइन करके हमको इनसाइट हम अपने क्लाइंट्स को स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करते थे। और आप जानते हो जैसे कि मेरा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर है क्योंकि मैं एक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि वहां पे मैं एवरी डे बेसिस पे या एवरी वीकली बेसिस पे हम हर एक एक कंपनी को एक एक दिन, चार चार दिन, एक एक हफ्ता स्टडी करते हैं, जहां से हमको FMCG सेक्टर के बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में, केमिकल सेक्टर के बारे में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में काफी डीप में मालूम पड़ता है कि उनके KPIs क्या हो सकते हैं और उसके हिसाब से वो नॉलेज इसके अंदर यूज करना है। राइट, सो यहाँ पे ये बिजनेस इंटेलिजेंस है। तो अल्टीमेट एम ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिसिस इज बेसिकली टू डिराइव अ बेटर बिजनेस डिसीजन दैट एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज रेवेन्यू, profitability, efficiency, gain competitive edge with respect to the competitor and so on. Right? So business analyst हो या business आपका intelligence हो, दोनों का काम same है कि जो existing data है उसके ऊपर help करो so that company अपना revenue, profitability of ये सब को grow कर सके। वहीं पे data analyst जो होता है वो काफी ज्यादा data पे focus करता है, data cleaning पे focus करता है, data को structure भी मिलाने की कोशिश करता है एंड उसको एनालाइज भी करता है। राइट, सो दे आर गुड एट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स, बट वहां पे एक बिजनेस का पार्ट नहीं आता है, तो ये डिफरेंस है। सो बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस ऑल आर गुड प्रोफेशन एंड कंटिन्यूअसली दे आर ग्रोइंग, अगर आप ये देख रहे हो तो।